हाय गाइस, आज इस वीडियो में शुरू करेंगे लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में आता है राइटर इम्प्रेस एंड कैल्क लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इम्प्रेस का यूज़ किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए एंड कैल्क का यूज़ होता है स्प्रेड के लिए तो आज इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के टॉप तो हंड्रेड एम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट भी होगा जिससे आप ये देख पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच कंपनी ऑन्स लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस किस कंपनी का है या फिर आप कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस का मलिकाना हक किस कंपनी के पास है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे दिया गया है ए बी सी एंड डी आंसर होगा सी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर टू लिब्रे ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो आंसर क्या होगा ए ट्रू है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें यूजर के नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है अगर आपको लिब्रे ऑफिस की ज़रूरत है तो आप इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे इस पर वर्क करेंगे नीड नहीं होगी तो आप इसे अन इंस्टॉल भी कर सकते हैं अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं वर्क करने के लिए बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा लेकिन बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी आपका कंप्यूटर काम करता है क्लियर है आगे चलते हैं वाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कैसे आप पहचानेंगे कि ये फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर की है तो आंसर है ए डॉट ओ डी टी ये होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन तो कैल्क का होता है डॉट ओ डी एस इम्प्रेस का होता है डॉट ओ डी पी तो तीनों आप याद रखिएगा स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया राइटर का यूज हम करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए कैल्क का यूज होता है स्प्रेडशीट के लिए इम्प्रेस का यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए अंडू कट कॉपी एंड पेस्ट आर डैश कमांड्स अंडू कट कॉपी और पेस्ट इनमें से किस कमांड के अंडर आते हैं तो दिया गया है फाइल एडिट स्टाइल्स व्यू आंसर क्या होगा बी एडिट कमांड शॉर्टकट की देख लीजिए अंडू के लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस जेड कट कंट्रोल एक्स कॉपी कंट्रोल प्लस सी पेस्ट का लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस भी एम एस ऑफिस वाला ही शॉर्टकट की यहाँ पे भी है नाइन्टी परसेंट दोनों में सेम है सिर्फ टेन परसेंट डिफरेंस होता है एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में पिच मेनू ऑप्शन कंटेन्स द सेव प्रिंट एंड क्लोज कमांड्स किस मेनू में आपको सेव प्रिंट एंड क्लोज कमांड मिलते हैं दिखाई देते हैं करेक्ट आंसर होगा ए फाइल तो सेव की शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस प्रिंट कंट्रोल पी क्लोज के लिए यूज आप करेंगे कंट्रोल प्लस डब्लू व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है आंसर होगा डी ट्वेल्व बारह होता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमम लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अवेलेबल होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ए बी सी एंड डी आंसर क्या होगा बी सिक्स और नाइन्टी सिक्स यानी कि स्मॉलेस्ट होता है सिक्स लार्जेस्ट होता है नाइंटी सिक्स तो साइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है तो इसे ध्यान से समझ लीजिए फॉन्ट साइज टूल बार में डिफॉल्ट फट का साइज होता है बारह मिनिमम और यू कैन से स्मॉलेस्ट सिक्स होता है मैक्सिमम और लार्जेस्ट नाइन्टी सिक्स होता है ये तो डिफॉल्ट हो गया अब आप मैनुअल इसे कितना बढ़ा और घटा सकते हैं तो मिनिमम फॉन्ट का साइज आप टू कर सकते हैं और मैक्सिमम कर सकते हैं 999.99। .99। तो इतना आप मैक्सिमम फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं तो ये पांचों क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें से एक एग्जाम में डेफिनेटली आता है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है तो आंसर होगा बी राइटर वाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है यानी कि जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं और कुछ भी टाइप करते हैं तो वो किस साइड में रहता है राइट लेफ्ट सेंटर नन ऑफ दीज आंसर क्या होगा बी लेफ्ट लेफ्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल राइट के लिए यूज करेंगे कंट्रोल आर सेंटर के लिए होगा कंट्रोल प्लस ई व्हाट इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन के कौन कौन से टाइप है तो सबसे पहला है स्लाइड बी पोर्ट्रेट सी लैंडस्केप डी बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आंसर क्या होगा डी बोथ यानी कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन के यही दो टाइप है अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है तब आंसर होगा पोर्ट्रेट। याद रखिएगा पिच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू एग्जिट राइटर राइटर को एग्जिट करना है यानी कि बंद करना है तो इनमें से आप किस की कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे तो सही आंसर होगा डी अल्ट प्लस एफ फोर अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो सट डाउन का शॉर्टकट है जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते रहते हैं तो जैसे ही आप अल्ट प्लस एफ फोर करते हैं ना आपका कंप्यूटर सट डाउन नहीं होता है पहले वो एप्लीकेशन बंद होता है देन आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यही होगा वट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर की सहायता से यानी कि मदद से आप क्या कर सकते हैं क्या किया जा सकता है तो यहाँ पे दिया गया है ए एडिटिंग बी फॉर्मेटिंग सी टाइपिंग टेक्स्ट डी ऑल ऑफ दी अबव तो आंसर क्या होगा डी इन तीनों काम को आप वर्ड प्रोसेसर की मदद से कर सकते हैं वट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा यूज होता है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने डिफॉल्ट साइज देख लिया है फॉन्ट का अब आपको फॉन्ट का स्टाइल बताना है तो राइट right आंसर होगा बी लिबरेशन ये होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया कि फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की, की मदद से कर सकते हैं तो आंसर होगा स्विफ्ट प्लस एफ इलेवन वॉट इज द मैक्सिमम जून जूम यू कैन डू इन लिबरे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में आप मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं जूमिंग का परसेंटेज मैक्सिमम कितना होगा तो सही आंसर होगा डी सिक्स हंड्रेड परसेंट यह मैक्सिमम है अगर आप मिनिमम करना चाहते हैं तो ट्वेंटी कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा व्हाट इज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ सेव इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में जो भी फाइल आप सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट लोकेशन क्या होता है अगर आप अपने से कुछ चूज़ नहीं करते हैं तो दिया गया है डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स नन ऑफ दिज आंसर होगा बी डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी फाइल सेव होगी अगर आप लोकेशन अपने से चूज़ नहीं करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगी पिच शॉर्टकट की इज यूज फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे वट इज द लाइन स्पेसिंग बाई डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग जो होता है ये बाई डिफॉल्ट कितना होता है वन वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव आंसर होगा ए वन वी कैन इंसर्ट पेज नंबर एट हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं एंटर कर सकते हैं हेडर में फूटर में बोथ ए एंड बी नन ऑफ दिस आंसर क्या होगा सी बोथ ए एंड बी यानी कि आप पेज नंबर को हेडर एंड फूटर दोनों में एंटर कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं वट इज़ द डिफॉल्ट व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू क्या है नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू वेब व्यू नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा ए नॉर्मल व्यू होता है डिफॉल्ट अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसे चेंज करके आउटलाइन व्यू कर सकते हैं वेब व्यू भी कर सकते हैं पेज मार्जिन इज द वाइट स्पेस अराउंड द टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ऑफ द ऑफ योर डॉक्यूमेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के टॉप यानी कि ऊपर बॉटम यानी कि नीचे लेफ्ट एंड राइट के आसपास जो वाइट स्पेस होता है उसे कहते हैं या नहीं तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है तो राइट आंसर क्या होगा ए ट्रू है उसी को हम कहते हैं जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के साइड में जो वाइट स्पेस छुटा रहता है उसे पेज मार्जिन कहते हैं वट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की की मदद से करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है ए बी सी एंड डी आंसर क्या होगा ए कंट्रोल प्लस एन वट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो टेक्स्ट यूज इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में यूज होने वाली ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ टू इन लिबरे ऑफिस राइटर मेल मर्ज ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू लिबरे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड दोनों वर्ड याद रखिएगा मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में अवेलेबल होता है करेक्ट आंसर क्या होगा बी टूल्स फाइंड द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिबरे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है ये आपको फाइंड करके बताना है तो दिया गया है 5 10 15 20 आंसर क्या होगा डी 20 होता है मिनिमम मैक्सिमम होता है 600 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है जब आप किसी फाइल को अलग लोकेशन में अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेवेज करते हैं इसकी शॉर्टकट क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस एस एम एस ऑफिस में क्या होता है कंट्रोल एस या फिर आप एफ़ ट्वेल्व का भी यूज़ करते हैं लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में थोड़ा सा चेंजेस है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होता है ये या आपको याद रखना है तो सेव के लिए यानी कि सिंगल अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे सेव एस के लिए कंट्रोल सिफ्ट प्लस एस दोनों याद रखिएगा पिच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड और अनहाइड द रूरल इन लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में रूरल को हाइड या अनहाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर इससे आप हाइड और अनहाइड दोनों कर सकते हैं वट कैन वी डू विथ द हेल्प ऑफ रूरल इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में रूरल की मदद से हम क्या कर सकते हैं क्या किया जा सकता है तो सबसे पहला है टैब सेटिंग बी मार पेज मार्जिन सी सेटिंग इंडेंट्स ऑल ऑफ़ इंडें आंसर क्या होगा डी इन सभी काम को आप लिबरे ऑफिस राइटर में रूरल की मदद से कर सकते हैं वट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या दी गई है तो यहां पे आपके सामने शॉर्टकट की है आंसर क्या होगा बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट का मतलब यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उससे स्लाइटली अबब जो टेक्स्ट होता है उसे हम कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट पी सब स्क्रिप्ट में होता है नॉर्मल टेक्स्ट से लिटिल बिलो जो टेक्स्ट आता है इसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी तो आप याद रखिएगा इन विच मेनू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज देयर एन ऑप्शन ऑटोमेटिक स्पेल चेक लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में ऑटोमेटिक स्पेल चेक का विकल्प होता है ऑप्शन दिया गया है तो आंसर क्या होगा सी टूल्स विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की बताना है कि ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है करेक्ट आंसर होगा सी शिफ्ट प्लस एफ सेवन तो नॉर्मल स्पेलिंग चेक के लिए हम फंक्शन की एफ सेवन का यूज करते हैं ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए शिफ्ट के साथ में आपको एफ सेवन प्रेस करना है वट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिबरे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में अगर आप कुछ भी कट करना चाहते हैं कोई टेक्स्ट पैराग्राफ इमेज तो शॉर्टकट की क्या है आंसर होगा डी कंट्रोल प्लस एक्स यू कैन नॉट हाइपर लिंक टू एन इमेज आप किसी इमेज यानी कि चित्र के लिए हाइपर लिंक नहीं कर सकते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है तो आंसर क्या होगा बी फॉल्स है क्योंकि आप इमेज के लिए भी हाइपर कर सकते हैं वट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइपर लिंक इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है तो आंसर क्या होगा सी कंट्रोल प्लस के इन विच मेनू एंड नोट एंड फूट नोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में एंड नोट और फुट नोट का विकल्प किस मेन्यू में होता है तो दिया गया है इंसर्ट मेनू एडिट मेनू व्यू मेनू फॉर्मेट मेनू आंसर क्या होगा डी फॉर्मेट मेनू इफ़ यू वांट टू शेयर अ डॉक्यूमेंट एंड यू वांट पीपल टू ओनली व्यू इट एंड नॉट एडिट इट विच वन शुड यू यूज़ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि आप एक डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे केवल देखें और रीड करें लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस ना करें तो आप इनमें से किस फॉर्मेट में उस डॉक्यूमेंट को सेंड करेंगे तो आंसर क्या होगा डी पी डी एफ जब आप पी डी एफ बना के किसी को सेंड करते हैं तो वो पी को एडिट नहीं कर सकते हैं सिर्फ व्यू कर सकते हैं रीड कर सकते हैं पी की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या दी गई है तो आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस एंटर पिच शॉर्टकट की इज यूज टू लाइन ब्रेक इन लिबरे ऑफिस राइटर पेज ब्रेक का आपने देख लिया लाइन ब्रेक अगर करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है सही आंसर होगा सी स्विफ्ट प्लस एंटर तो दोनों याद रखिएगा पेज ब्रेक कंट्रोल के साथ एंटर लाइन ब्रेक स्विफ्ट प्लस एंटर पिच स्ट्रीप इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार इन लिबरे ऑफिस राइटर सबसे टॉप में होता है टाइटल बार टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको कौन सी स्ट्रिप प्रेजेंट दिखाई देती है तो दिया गया है मेनू बार टूल बार स्टेटस बार टास्क बार आंसर क्या होगा ए मेनू बार तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रिप प्रेजेंट। सबसे टॉप में यानी कि पहली होती है टाइटल बार सेकंड में आता है मेनू बार थर्ड में रहता है टूल बार और लास्ट होता है सबसे बॉटम में स्टेटस बार वट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस एफ ट्वेल्व टेबल इंसर्ट करने का एक और शॉर्टकट होता है और वो है कंट्रोल प्लस टी तो दोनों याद रखिएगा व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनेज टेम्पलेट्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट की क्या है करेक्ट आंसर क्या होगा ए बी सी या फिर डी सी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन ये होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने का शॉर्टकट की वट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर ए टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझिएगा लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है करेक्ट आंसर होगा बी डॉट ओ टी टी इन लिब्रे ऑफिस राइटर फाइंड द लोकेशन ऑफ फूट नोट आपको क्या बताना है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फूट नोट का लोकेशन क्या होता है कहां पे पे आपको मिलेगा तो यहां पे दिया गया है टॉप ऑफ बॉटम ऑफ पेज पेज के नीचे में टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट के टॉप में या फिर बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट तो आंसर क्या होगा बी बॉटम ऑफ द पेज पेज के बॉटम में फुट नोट का लोकेशन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज कैन नॉट बी चेंज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स करेक्ट आंसर होगा बी फॉल्स है क्योंकि आप फॉन्ट साइज को बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं वाट इज द मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज क्या है तो आंसर क्या होगा बी टू टू क्यों होगा सिक्स क्यों नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे डिफॉल्ट नहीं बोला है मिनिमम बोला है प्लस कस्टम बोला है कि यानी कि आप उस साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं तो आप कस्टमाइज करके मिनिमम रख सकते हैं टू व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिवरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हैं तो so आंसर होगा डी 999.99 परसेंट ये मैक्सिमम साइज होता है इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं इन विच बार ऑप्शन अवेलेबल इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में बार का ऑप्शन अवेलेबल होता है उपलब्ध होता है तो दिया गया है फाइल इंसर्ट टूल्स व्यू करेक्ट आंसर होगा डी व्यू व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन इन लिबरे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपने कोई भी पैराग्राफ लिखा है कोई भी लाइन लिखा है उस लाइन के नीचे अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है सही आंसर होगा ए कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या है सही आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस बी इन विच मेनू कमांड्स लाइक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन मिलता है कमांड मिलते हैं तो आंसर क्या होगा सी फॉर्मेट तो यहां पे आप एक बार सभी का शॉर्टकट की देख लीजिए बोल्ड के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस बी इटैलिक कंट्रोल प्लस आई अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज होता है बट डबल अंडरलाइन के लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल प्लस डी तो इसे याद रखिएगा वट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेटिंग इन लिवरे ऑफिस राइटर अगर आपने किसी भी फॉन्ट में कुछ भी एडिटिंग करके रखा है उसे क्लियर करना चाहते हैं बिल्कुल पहले जैसा बनाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस एम व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन लिवरे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट लिवरे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन क्या है जीरो पॉइंट फाइव वन वन पॉइंट फाइव टू करेक्ट आंसर होगा बी वन न्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस हैज थोरस ऑप्शन लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में आपको थीसोरस का विकल्प मिलता है राइट right आंसर होगा बी टूल्स रूरल ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेन्यू रूरल का ऑप्शन किस मैन्यू में मिलता है करेक्ट आंसर होगा डी व्यू विच की इज यूज टू एग्जिट एग्जिट एप्लीकेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को एग्जिट करना है यानी कि बंद करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी तो आंसर है डी कंट्रोल प्लस क्यू या क्यूट एप्लीकेशन बोलेगा तो इसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल क्यू अगर क्लोज विंडो कहता है तब आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे तो इसे आप याद रखिएगा कभी कभी दोनों ऑप्शन एग्जाम में दे देता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है हाउ टू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं सिर्फ पेस्ट का तो शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी पेस्ट स्पेशल के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी वट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है अगर आप सेव करते समय कुछ नेम नहीं देते हैं तो तो आंसर होगा सी अनटाइटल्ड वन के नाम से आपकी फाइल सेव हो जाएगी बाय डिफॉल्ट वेयर इज द कमेंट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट का ऑप्शन कहाँ होता है सही आंसर होगा ए इंसर्ट टैब में व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर अगर आपका टेक्स्ट लेफ्ट में है या राइट में है आप उसे सेंटर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आंसर होगा सी कंट्रोल प्लस ई की मदद से व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मूला बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार ओपन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है तो आंसर होगा ए एफ टू व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस में स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है करेक्ट आंसर होगा सी एफ इलेवन द शॉर्टकट की टू ओपन अ डॉक्यूमेंट इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट क्या है जब भी ओपन करने कहता है ना तो समझ लीजिए ऐसी फाइल जो पहले से बनी हुई है आपको उसे एक्सेस करना है तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस ओ इन विच मेन्यू हैज द ऑप्शन टू एड पेज इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में अगर आप पेज को ऐड करना चाहते हैं और तो इसके लिए किस टैब में आप जाएंगे किस मेनू की मदद से कर सकते हैं तो आंसर होगा बी इंसर्ट इंसर्ट में जाके आपको न्यू पेज या ब्लैंक पेज करना होगा इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच ऑफ फॉलोइंग नॉट एन ऑप्शन इन द फाइल मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है तो यहां पे दिए गए हैं ए बी सी एंड डी आंसर क्या होगा ए एज न्यू मिलता है सेव सेव एज भी होता है लेकिन एज नहीं रहता है शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन इन लिवरे ऑफिस राइटर लिवरे ऑफिस राइटर में लाइन के शुरू में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है तो आंसर क्या होगा ए होम की होम की की मदद से आप कहीं पे भी हो किसी भी पेज में हो फर्स्ट पेज के एकदम स्टार्टिंग लाइन में पहुंच जाएंगे शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ बुलेट लिस्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट डालने के लिए इंसर्ट करने के लिए या फिर कह सकते हैं एंटर करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है करेक्ट आंसर होगा सी स्विफ्ट प्लस एफ ट्वेल्व इन विच मेन्यू इज द वर्ड काउंट ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आंसर होगा बी टूल्स पिच शॉर्टकट की इज यूज फॉर हेडिंग टू इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग वन हेडिंग टू एंड हेडिंग थ्री तीन स्टाइल्स दिए रहते हैं तो आपको हेडिंग टू को एक्सेस करना है यूज करना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे आप तो आंसर होगा कंट्रोल प्लस टू तो देखिए हमने आपको बताया कि थ्री टाइप के हेडिंग होते हैं तो हेडिंग वन के लिए आप कंट्रोल वन टू के लिए कंट्रोल टू और थ्री के लिए कंट्रोल थ्री का यूज करके आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं यूज कर सकते हैं इन लिबरे ऑफिस राइटर फिच ऑफ फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाई द पैराग्राफ लिबरे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करके पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हैं आप यानी कि दोनों तरफ से आपका लाइन यानी कि पैराग्राफ बिल्कुल इक्वल दिखे तो आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस जे वट इज द लाइन बिलो द टेक्स्ट इन लिवरे ऑफिस राइटर कॉल्ड किसी टेक्स्ट के नीचे वाली लाइन को क्या कहा जाता है तो आंसर क्या होगा डी अंडर लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लिबरे ऑफिस सूट निम्न में से कौन लिब्रे ऑफिस सूट का घटक नहीं है कंपोनेंट नहीं है तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर का पहला कंपोनेंट है राइटर इसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं कैल्क स्प्रेडशीट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ड्रो भी लिबरे ऑफिस का कंपोनेंट है बेस मैथ ये सभी लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट हैं और क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन एक लिब्रे ऑफिस सूट का कंपोनेंट नहीं है तो आंसर क्या होगा डी इंटरनेट एक्सप्लोरर देयर आर इलेवन मेन्यूज फाउंड इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्यारह मेन्यू पाए जाते हैं ट्रू या फिर फॉल्स करेक्ट आंसर क्या होगा ए ट्रू फिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सोन इन द स्टेटस बार ऑफ लिबरे ऑफिस राइटर मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे में लिबरे ऑफिस का स्टेटस बार होता है तो इस्टेटस बार में आप इनमें से क्या नहीं देखते हैं क्या आपको शो नहीं कराया जाता है तो सबसे पहला है नेम ऑफ द कंप्यूटर बी है टोटल कैरेक्टर्स सी है करेंट पेज नंबर और डी है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो आंसर क्या होगा ए नेम ऑफ कंप्यूटर ये आपको स्टेटस बार में नहीं दिखता है बाकी जो आप तीन देख रहे हैं बी सी एंड डी ये सभी आपको स्टेटस बार में दिखाई देते हैं इस देर शॉर्टकट की फोर रीडू इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में रीडू यानी कि फिर से करने के लिए कोई शॉर्टकट की है तो आंसर होगा यस कंट्रोल प्लस वाई है तो रीडू के लिए हम कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं अंडू के लिए कंट्रोल जेड का स्टाइल फॉर्मेटिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिवरे ऑफिस राइटर टेम्पलेट लिवरे ऑफिस राइटर टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग इंक्लूड नहीं है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स तो आंसर क्या होगा बी फॉल्स गलत है द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रिव्यू इन लिबरे ऑफिस राइटर इज़ लिबरे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रिव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है तो आंसर होगा सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ ये होता है प्रिंट प्रिव्यू का शॉर्टकट की अगर आपको सिर्फ प्रिंट करना है तो आप कंट्रोल पी से करेंगे तो दोनों शॉर्टकट की याद रखिएगा प्रिंट का भी और प्रिंट प्रिव्यू का भी शॉर्टकट की टू इंक्रीज फॉन्ट साइज़ इन लिवरे ऑफिस राइटर इज़ लिवरे ऑफिस राइटर में अगर आप फॉन्ट के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी शॉर्टकट की है और वो इनमें से कौन सी है तो आंसर क्या होगा ए कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स इसका यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए अगर आपको डिक्रीज करना है घटाना है तो इसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट्स याद रखिएगा व्हाट इज द लाइन गिवन अबब आर टेक्स्ट अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन है तो उसे क्या कहेंगे ए बी सी या फिर डी आंसर होगा ए ओवर लाइन टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन रहती है उसे हम ओवर लाइन कहते हैं वट कैन बी क्रिएटेड विथ लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर द्वारा क्या बनाया जा सकता है तो सबसे पहला है इन्विटेशन कार्ड्स बना सकते हैं आप बी है एप्लीकेशंस यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात नहीं हो रही है जो एप्लीकेशन आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं वो बना सकते हैं लिबरे ऑफिस राइटर का यूज करके सी है मैगजीन्स जर्नल्स आप क्रिएट कर सकते हैं और डी है ऑल ऑफ दी अबव तो आंसर होगा डी इन सभी को आप बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ करके क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है यू कैन ईजिली एड और रिमूव टेक्स्ट इन द टेबल आप किसी टेबल में टेक्स्ट को ईजिली एड और डिलीट कर सकते हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स तो आंसर क्या होगा ए ट्रू है आप डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं दोनों कर सकते हैं वट इज द साइज ऑफ अ फूट नोट इन लिवरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में फूट नोट का साइज क्या होता है तो आंसर क्या होगा बी वन फर्स्ट आइडेंटिफाइज ग्रामेटिकल एरर्स एंड देन स्पेलिंग एरर्स ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वर्ड पहले ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करता है देन स्पेलिंग एरर्स को क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं तो आंसर क्या होगा बी फॉल्स है गलत है क्योंकि कोई भी वर्ड पहले स्पेलिंग एरर को आइडेंटिफाई करता है देन ग्रामेटिकल एरर पे जाता है टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज अगर आपको ग्रामर चेक करना है तो इनमें से किस मेन्यू पे आपको जाना चाहिए तो सबसे पहला है इंसर्ट मेन्यू टूल्स मेन्यू एडिट मेन्यू व्यू मेन्यू आंसर क्या होगा बी टूल्स मेन्यू विच की डू यू हैव टू प्रेस टू गेट हेल्प इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको हेल्प चाहिए तो इनमें से कौन सी की प्रेस करना चाहिए आपको तो आंसर होगा ए एफ वन रिया वांट्स टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड इन द इंटायर डॉक्यूमेंट विच ऑप्शन विल सी यूज क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रिया पूरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड की स्पेलिंग को बदलना चाहती है तो इनमें से किस ऑप्शन को वो यूज़ करेगी दिया गया है कॉपी पेस्ट अलाइन लिफ्ट फाइंड एंड रिप्लेस तो आंसर क्या होगा डी फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ रिया को करना होगा तो फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एफ अगर आप एक किसी पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस को खोजना चाहते हैं तो फाइंड करेंगे लेकिन अगर एक वर्ड को चेंज करना है किसी दूसरे वर्ड से तो हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच वट आर द ऑप्शन अवेलेबल फॉर एडिटिंग माइक्रोज इन लिबरे ऑफिस लिबरे ऑफिस में माइक्रोज को एडिटिंग करने के लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है करेक्ट आंसर क्या होगा ए लोड बेसिक कोड द स्पेस लिफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड मार्जिन और पैराग्राफ की स्टार्टिंग के बीच की जो स्पेस होती है उसे क्या कहा जाता है ए बी सी या फिर डी करेक्ट आंसर क्या होगा डी इंडेंटेशन। पिच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के एंड में कौन सा आइटम रखा जाता है हेडर फूटर एंड टेक्स्ट एंड नोट आंसर होगा डी एंड नोट वट इज द शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइनमेंट इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में राइट right अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की क्या है तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है आंसर होगा बी कंट्रोल प्लस आर एक बार यहां पे फिर से देख लीजिए राइट कंट्रोल आर लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल सेंटर के लिए कंट्रोल ई e का यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रमेश रोटन आर्टिकल ऑन द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट बट एवरीवेयर ही रोट फॉर गोट इंस्टेंट ऑफ वर्ड फॉरेस्ट बाय मिस्टेक विच ऑप्शन वुड यू यूज इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स टू करेक्ट ऑल मिस स्पेल्ड वर्ड्स एट वंस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए रमेश ने फॉरेस्ट के बेनिफिट पर एक आर्टिकल लिखा है लेकिन वो हर जगह गलती से फॉरेस्ट वर्ड की जगह फोरगोट लिख दिया है स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में सभी गलत स्पेलिंग वर्ड को एक बार में सही करने के लिए आप इनमें से किस ऑप्शन का यूज करेंगे तो क्या दिया गया है करेक्ट करेक्ट ऑल ऑलवेज करेक्ट एड टू डिक्शनरी तो आंसर क्या होगा बी करेक्ट ऑल क्योंकि एक ही बार में सभी को चेंज करना है तो आज हमने 90 क्वेश्चन को कवर किया है अब आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर के टेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अगर आप सभी के आंसर सही दे पा रहे हैं तो कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि टेन में से कितने क्वेश्चन को आपने सही किया है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फूड नोट इज लोकेटेड एट डैश इन लिबरे ऑफिस लिब्रे ऑफिस राइटर में फूट नोट का प्लेस कहाँ पे होता है ये कहाँ पे रखा जाता है करेक्ट आंसर क्या होगा सी बॉटम ऑफ द पेज पेज के बॉटम में क्वेश्चन नंबर टू डैश फंक्शन की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको स्पेलिंग चेक करना है तो इसके लिए किस फंक्शन की का यूज़ करेंगे राइट right आंसर क्या होगा बी एफ सेवन क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ दी फॉलोइंग टू अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन लिबरे ऑफिस राइटर आपको क्या करना है टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट में लिब्रे ऑफिस राइटर में तो आंसर क्या होगा बी कंट्रोल प्लस एल अगर राइट right बोलता तो कंट्रोल आर सेंटर कंट्रोल ई वट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिबरे ऑफिस राइटर लिबरे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या है आंसर क्या होगा दाइंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर फाइव लिबरे ऑफिस राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम प्रेजेंटेशन प्रोग्राम स्प्रेड शीट प्रोग्राम नन ऑफ दवाब आंसर क्या होगा ए लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो स्पेल चेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट की क्या है आंसर क्या होगा बी शिफ्ट प्लस एफ सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज ट्वेंटी परसेंट क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है लिब्रे ऑफिस राइटर में जूमिंग का परसेंट मिनिमम कितना है ट्वेंटी परसेंट है या नहीं तो आंसर होगा ए ट्रू ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मैक्सिमम कितना होता है सिक्स हंड्रेड परसेंट तो ये भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर एट द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वन इज यूज फॉर हेडिंग वन स्टाइल इन सेलेक्टेड टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट में हेडिंग वन स्टाइल के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल वन का यूज किया जाता है इज इट ट्रू और फॉल्स आंसर क्या होगा ए ट्रू क्वेश्चन नंबर नाइन वाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर फॉर्मेट इन लिवरे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेट आपको करना है लेकिन जितनी भी एडिटिंग टेक्स्ट के ऊपर हुआ है उसे क्लियर करना है बिल्कुल पहले जैसा आंसर क्या होगा डी कंट्रोल प्लस एम और आज का लास्ट क्वेश्चन डोट ओ डी टी इज द फाइल फॉर्मेट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज इट ट्रू और फॉल्स आंसर क्या होगा ए ट्रू तो टेन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया है कमेंट में लिख के बताइए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें